व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल एंड यूनिक। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं सेरीकल्चर। गाइस, सेरीकल्चर में बेसिकली हम स्टडी करते हैं सिल्क मॉथ की और उससे हम कैसे ऑब्टेन करते हैं सिल्क फाइबर, इस पूरी प्रोसेस की स्टडी करते हैं। तो सेरीकल्चर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम ये पढ़ते हैं कि कल्टिवेशन ऑफ मलबेरी ट्रीज क्यों होती है। अब मलबेरी ट्री क्या है गाइस? मलबेरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसकी लीफ पे सिल्क मॉथ अपने एग्स ले करती है, और किसी प्लांट पे भी सिल्क मॉथ अपने एग्स ले नहीं करेगी। तो अगर आपको सिल्क मॉथ से सिल्क फाइबर चाहिए तो स्पीशीज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी ट्रीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी ट्रीज में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं मलबेरी प्लांट को इंसेक्ट डैमेज से। अब इस पर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट का डैमेज होता है, तो इसलिए पेस्टिसाइडर्स रेगुलर चेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सारे मलबेरी ट्रीज़ की। और इन्हें कैसे हम जेनेटिकली डिजीज़ फ्री बना सकते हैं, ये सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं। अब और ज़्यादा से ज़्यादा इसका स्टॉक्स भी रेस करें। अब दूसरी प्रोसेस जो कि है रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ, यानी हम कैसे सिल्क मॉथ से कैसे बनाएंगे कुकून, और फिर कुकून से हम कैसे ऑब्टेन करेंगे सिल्क थ्रेड। तो इसमें हम ये सारी प्रोसेसेस पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम कैसे कौन कौन सी अप्लायंसेस यूज़ करेंगे, कैसा वो लार्वा होगा, और साथ ही साथ जो एग्ज है उन्हें कैसे हैच करा जाएगा, ये सारी प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे इस रेयरिंग ऑफ सिल्क मॉथ में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिजर्वेशन एंड हैंडलिंग ऑफ सिल्क मॉथ से। तो सपोज करिए ये एक लीफ है जो कि है मलबेरी ट्री की, और इस पे किसी फीमेल सिल्क मॉथ ने अपने एग्स ले कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा येलो येलो क्लस्टर फॉर्म में जो दिख रहा है वो है फीमेल सिल्क मॉथ के एग्स, ये क्लस्टर्स में है। अब ये कितने हैं इन नंबर में, अब ये जब भी एग्स ले करती है तो सारे क्लस्टर्स में एग ले करती है, क्योंकि गाइज ये एक या दो एग्स ले नहीं करती है, ये करती है 300 to 500 eggs, जो कि मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ओके, तो ये eggs ले करती है 300 to 500 इन नंबर और क्लस्टर्स में करती है। अगर साइज़ की बात करी जाए तो इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जैसे कि पॉपी प्लांट का सीड हो तो इतना छोटा सा साइज़ होता है। और ये येलो है क्योंकि ये अभी इसी ने ले करे हैं। अगर मैं इसे देखूँ 4 से 5 दिन बाद तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क पर्पल, ये डार्क पर्पल है। ओके, तो डार्क पर्पल कलर हो जाएगा इसका अगर हम इसे 4 से 5 दिन बाद देखें, यानी इसके ले करने से 4 से 5 दिन बाद। अब सेकंड स्टेप इसी का है प्रिजर्वेशन एंड हैंडलिंग का। अब हमारे पास आ गए एग्स, अब हम उन एग्स के साथ क्या करेंगे, क्यों क्या करेंगे, क्योंकि हमें इन एग्स को हैच करवाना है। तो सबसे पहले हम इन्हें क्लीन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब ये लीफ के ऊपर थे तो इनके ऊपर डस्ट भी आई, बहुत सारे जर्म्स आए, इन पर इन्फेक्शियस एजेंट्स भी होंगे, वायरस भी होंगे, हो सकता है इन पर बहुत सारे बैक्टीरिया हों, तो क्लीन तो करवाना पड़ेगा क्योंकि हमें अच्छा सिल्क फाइबर चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम इसे क्लीन करवाएंगे, हम सारे एग्स को लेंगे और उन्हें डाल देंगे 20% फॉर्मलिन सॉल्यूशन के अंदर, जिससे वो अच्छी तरह क्लीन हो जाएंगे। 1 घंटे के लिए हम उसमें ही छोड़ेंगे, फिर हम निकाल के कहाँ डालेंगे, वाटर में, वाटर की में डाल के हम इसे ओवरनाइट छोड़ देंगे ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। गाइस, क्लीनिंग का मेथड यही होता है कि उससे सारे जो स्केल्स हैं वो निकल जाएं उनके एग्स के ऊपर से, और जितने भी इन्फेक्शियस जर्म हैं वो सारे किल हो जाएं। अब हमें एग्स मिल गए हैं जो कि हमने बिल्कुल क्लीन कर लिए हैं, तो इसे हम एक कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे जिसका टेम्परेचर हम सेट करेंगे, विच इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। स्टोरेज के बाद हम थर्ड प्रोसेस पे जाएंगे, इंक्यूबेशन, यानी इसमें हम कुछ कुछ अपनी तरफ से प्रोसेस ऐड करेंगे और इनका टेम्परेचर चेंज करेंगे ताकि ये जो एग्स हैं वो जल्दी हैच हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये एग्स लिए कोल्ड स्टोरेज से और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्री हीटेड रूम में। प्री हीटेड रूम एक वैसे ही है जैसे कि एक माइक्रोवेव। ओके, तो इसका टेम्परेचर हम खुद सेट करेंगे, विच इज़ 15 to 18 degrees Celsius, और हम इसी में स्टोर करेंगे इन एग्स को। अब इन एग्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक अनदर रूम में जो कि एक इल्यूमिनेटेड रूम है। गाइस, एक इल्यूमिनेटेड रूम जिसमें आपको सनलाइट और लाइट बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाएगी और इसका टेम्परेचर बहुत हिसाब से सेट किया जाएगा, विच इज़ 24 degrees Celsius। अब ये तो हमने सिंपल सी प्रोसेस करी, कुछ प्रोसेस में क्या होता है, हम हैच करवाने के लिए इसे बहुत ज़्यादा अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हैं, शॉक दिए जाते हैं अलग से। अब ये सारा लेबोरेटरी में चलता है, ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, बेस्ट मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में वो क्या करते हैं, एग्स लेते हैं, एग्स को डिप करवा देते हैं HCl के अंदर, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर,
5 मिनट्स के लिए वेट करते हैं। अब जो टेम्परेचर जो सेट करते हैं ना, वो वॉर्म एचसीएल लेते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 46 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये एकदम डिफाइनाइट वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो सकती, तो इतने ही टेम्परेचर पे लेंगे। 5 मिनट्स के बाद निकालते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं और वेट करते हैं 10 to 15 days। 10 to 15 days बाद क्या होता है, उस पीरियड के बाद जो एग्स हैं वो हैच कर जाते हैं और हमें ऑप्टेन हो जाता है लार्वा। तो अब हमने एग्स को हैच करवा लिया और अब हमें लार्वा ऑप्टेन हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे लार्वा के बारे में, रियरिंग ऑफ लार्वा। तो ये हमें फाइबर चाहिए, अभी भी से एडल्ट फॉर्म करवाना है, फिर कुकूनिंग करवानी है, स्पिनिंग करवानी है, बहुत सारे काम है। तो अभी हमें लार्वा मिल गया है। लार्वा बेसिकली होता है डार्क ब्राउन कलर का और ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, इस पर काइटेनस लेयरिंग होती है। ओके, अब इसकी जो आपको बॉडी दिख रही है वो डार्क ब्राउन दिख रही होगी और जो आप आगे का रीजन दिख रहा है वो हेड है, और ये जो पीछे की बॉडी है ये डिवाइडेड है 13 सेगमेंटेड ट्रंक। आपको इस 13 सेगमेंटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो आगे वाला रीजन है वो हेड, ये किस किस चीज़ में डिवाइडेड है वो देख लेते हैं। इसके अंदर है माउथ, 6 ऑसिली, अ पेयर ऑफ एंटीना एंड स्पिनरेट। स्पिनरेट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एक सिल्क ग्लैंड का भी आपको पेयर मिलता है, और सिल्क ग्लैंड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट सबसे पहले आप ये देख लीजिए, स्पिनरेट के अंदर है अ पेयर ऑफ सिल्क ग्लैंड। स्पिनरेट कहीं यहाँ होती है एकदम नीचे। ओके, अब ये जो 13 सेगमेंटेड ट्रंक है उसके जो शुरुआत के 3 सेगमेंट हैं वो कंटेन करते हैं थोरेक्स रीजन। थोरेक्स रीजन में मेनली पाए जाते हैं वॉकिंग लेग्स। बट जब लार्वा मिच्योर होता है, गेन करता है अपनी मिच्योरिटी, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस स्टेज में ये जो इसके वॉकिंग लेग्स हैं वो उसकी जगह आ जाते हैं विंग्स, जो कि उसे हेल्प करते हैं फ्लाइंग में। ओके, अब ये जो विंग्स आते हैं वो आते हैं प्रोथोरेसिक रीजन में। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में और। तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 13 पेयर ऑफ स्पिरिकल्स। साथ ही साथ जब ये मिच्योरिंग करेगा, मिच्योर होगा ये लार्वा, तो अपनी दूसरी फॉर्म स्टेट फॉर्म करेगा। इसमें क्या होगा, सेगमेंट बदल जाएंगे, जो इसके लेग्स हैं वो थोड़े और छोटे हो जाएंगे, जो सिल्क ग्लैंड है वो सिक्रीट करने लगेगी सब्सटेंस, सिल्क सब्सटेंस। तो ये सारी मिच्योरेशन इसमें देखने को मिलेगी। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये लार्वा कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा में, हम इसे प्यूपा बोलेंगे या बोलेंगे क्राइसैलिस। ओके, अब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्यूपा में। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होगा अपनी अडल्ट स्टेज में, वैसे वैसे इसकी ईटिंग जो है वो स्टॉप होती जाएगी। ओके, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी और एक पॉइंट पे आके बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, और उस स्टेज पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली मूव करेगा। गाइस, ये एक्टिवली मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसे तलाश है एक स्पेस की जहाँ पे ये ईजिली स्टिक हो सके और सिल्क सब्सटेंस निकाल सके, जो कि इसे पूरा पैक कर सके, ताकि ये कुकूनिंग स्टार्ट कर सके। अब ये मैच्योर हो चुका है और अब हम पढ़ने वाले हैं स्पिनिंग ऑफ कुकून। स्पिनिंग ऑफ कुकून में मेनली सिक्रीट कौन करता है, स्पिनरेट, जिसके अंदर प्रेजेंट होती है सिल्क ग्लैंड। तो सिल्क ग्लैंड के दो पोर्शन होते हैं, सबसे पहले पोर्शन होता है इंटीरियर, दूसरा वाला होता है मिडिल सेक्शन। तो मिडिल सेक्शन से क्या निकलता है, वो निकलता है सिरेसिन, और इंटीरियर पोर्शन से निकलता है फिब्रियोइन, जो कि होता है आपका सिल्क सब्सटेंस। अब फिब्रियोइन बीच वाला पार्ट है और सिरेसिन बाहर वाला पार्ट। जैसे कि गाइज ये है, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है वो सिरेसिन है, और ये जो चारों सॉरी ये जो बीच वाला पार्ट है वो फिब्रोइन है, और ये जो चारों तरफ वाला पार्ट है वो है सिरेसिन। तो ये सब इमीडिएटली निकलता है, ये एकदम अलग अलग नहीं निकलती, ये इमीडिएटली निकलता है एक साथ। ओके, अब ये लार्वा मिच्योर हो चुका है और अब फिफ्थ स्टेज ऑब्टेन कर चुका है। जैसे कि मैं आपको पहले बता दिया कि ये जो अपनी फीडिंग है वो स्टॉप कर चुका है, और अब ये अपने चारों तरफ सिल्क जो ग्लैंड से सिल्क सब्सटेंस निकाल रहा है, जो कि इसे पैक कर रही है, कुकूनिंग स्टार्ट हो रही है, कुकूनिंग चलती जा रही है। अब गाइज ये जो है ट्रे में है, ट्रे है मतलब लीफ पे है, एक लीफ पे ये स्टिक है, तो ये हिल नहीं सकता, एकदम पैक हो गया एक लीफ पे। तो ये जो लीफ है मेनली ट्री पे होगी, मलबेरी ट्री पे, और ये सन से एक्सपोज्ड है, तो सनलाइट इस पे पड़ेगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक्सपोज्ड है सन से, तो जो ये सिल्क सब्सटेंस है ना, इसके चारों तरफ से कुकूनिंग खत्म कर दी, सन से एक्सपोज्ड है, तो ये सिल्क जो सब्सटेंस है ये फाइबर में चेंज हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, तो ये स्पिनिंग ऑफ कुकून में लगते हैं 2 दिन उस इंसेक्ट को, उस लार्वा को, और इस प्यूपा ये कास्ट जो कर देता है अपनी स्किन, ये भी 2 दिन में करता है, तो टोटल 4 दिन लगे इसे पूरा मिच्योर प्यूपा बनने में। अब क्या हुआ, इस लार्वा ने, इस प्यूपा ने अपनी स्किन कास्ट करी और मिच्योर
प्यूपा में ट्रांसफॉर्म हो गया। बट ऐसा भी होता है कि जो मेच्योर प्यूपा है ये ट्रांसफॉर्म ना हो पाए, मतलब प्यूपा मेच्योर प्यूपा में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए, उसी के अंदर रह जाए। तो अगर वो जो लार्वा है, वो जो प्यूपा कंडीशन में है, वो उसी के अंदर रह जाता है और क्रॉल्स आउट नहीं हो पाता है, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, उसे कहते हैं स्टिफ लिंग, या फिर हम क्या कहते हैं ड्राइंग, यानी जो प्यूपा है उसकी डेथ हो जाती है अंदर ही अंदर और वो बाहर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है मेच्योर प्यूपा में, यानी क्रॉल्स आउट नहीं कर पाता है, ब्रेकिंग द कुकून। तो इसलिए उसे क्या बोलेंगे, अलग से उसे एक टर्म दिया है विच इज स्टिफलिंग और ड्राइंग। और अगर ऐसे ही जितने भी कुकून्स होते हैं इसी ही हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर प्यूपा किल हो जाता है, प्यूपा होना चाहिए उसी को हम यूज़ करते हैं सिल्क फाइबर बनाने के लिए। ओके, जो कास्ट कर गया है वो काम में नहीं आता है, यही वाला कुकून चाहिए हमें अच्छा सिल्क थ्रेड बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में, रीलिंग प्रोसेस कहते हैं इसे, ऑप्टेन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स कुकून से। तो बहुत सारे कुकून लेते हैं बल्क में और उसे बॉईल करते हैं और फिर ऑप्टेन करते हैं उससे सिल्क फाइबर। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। तो अभी तक हमने पूरा पढ़ लिया कि सिल्क मॉथ से हमें कैसे सिल्क फाइबर मिला, एग्स को हैच भी करवा लिया, लावा भी देख लिया। अब यहाँ पे हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या है, जो अडल्ट मेल है और अडल्ट फीमेल है ये ले करेंगे एग्स। ओके, अब इन्होंने एग्स ले कर दिए, कहाँ ले करें, मलबेरी प्लांट की लीफ, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्लस्टर्स में ले करें, कैसे, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। हैचिंग हो गई, हैचिंग के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, लार्वा। लार्वा कौन सी स्टेज में है, फर्स्ट इंस्टार स्टेज। फिर क्या होगा, ये मोल्टिंग करेगा, मोल्टिंग अपनी फर्स्ट मोल्टिंग करेगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किस में, सेकेंड इंस्टार स्टेज में। सेकेंड इंस्टार स्टेज मोल्टिंग करेगी और ट्रांसफॉर्म हो जाएगी थर्ड इंस्टार स्टेज में, थर्ड इंस्टार स्टेज थर्ड मोल्टिंग करेगी और ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फोर्थ इंस्टार स्टेज में, फोर्थ इंस्टार स्टेज फोर्थ मोल्टिंग करेगी और ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किस में, फिफ्थ इंस्टार स्टेज में। और यहाँ फिफ्थ इंस्टार स्टेज स्पिनिंग करेगी, यानी अपनी चारों तरफ सिल्क ग्लैंड से सिक्रीट करेगी सिल्क सब्सटेंस विच इज फिब्रोइन, और अपनी चारों तरफ सिल्क सब्सटेंस इकट्ठा कर लेगी और इमर्जेंस यानी आउट करेगी, क्रॉल्स आउट करेगी तो अडल्ट मेल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और अगर क्रॉल्स आउट नहीं करेगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्टिफलिंग और ड्राइंग। तो ये पूरी लाइफ साइकिल थी किसकी, सिल्क मॉथ की, बहुत ईजी है। ठीक है, एक और बात जो मुझे आपको यहाँ पर बतानी है वो ये है कि इसमें फोर मोल्टिंग हो रही है और फाइव लार्वा स्टेज है। तो मैंने फाइव लार्वा स्टेज आपको दिखा दी थी, ठीक है, तो यहाँ पे फाइव लार्वा स्टेज है और फोर मोल्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब ये जो लार्वा है, फिफ्थ स्टेज लार्वा, कुकून में चेंज हो गया, अब कुकून से ये बाहर निकलेगा, तो इसकी एक पूरी प्रोसेस है। जब ये कुकून से बाहर निकलता है ना, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इमैगो। ओके, तो यहाँ से ये बाहर आउट हो रहा है, क्रॉल्स आउट हो रहा है अपने कुकून से, तो इसे बोलते हैं हम उस स्टेज में इमैगो। ये क्या करता है, इमैगो अब ये कुकून के अंदर है ना, तो ये सिक्रीट करता है एक एल्कलाइन फ्लूड। ये दो दिन में इसे बाहर निकलना है, ठीक है, ये एल्कलाइन फ्लूड सिक्रीट करेगा जो कि एक एंड को मॉइस्ट कर देगा कुकून के। तो इसे तोड़ना बहुत ईजी हो जाएगा, ब्रेक करना कुकून को, और ये ईजिली बाहर निकल ही आएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो अडल्ट मेल है या अडल्ट फीमेल है, कोई सा भी पार्ट, ठीक है, उसके पास प्रोबोसिस तो होती नहीं है, तो वो फीड कैसे करेगा। तो इसलिए जो सिल्क मॉथ है इसका लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप गाइज आपको ये अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।